हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं अरवी के पत्तों का पकौड़ा। उसके लिए हमने एक बाउल लिया। बाउल में बेसन, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी सी धनिया पाउडर, लहसुन, अदरक, इसका पेस्ट तैयार किया। और इस बेसन में से डाल के स्वाद अनुसार नमक डाल के और पानी मिलाकर अच्छा घोल तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा घोल जो है तैयार हो गया है। अब हम एक बर्तन को उल्टा कर लेंगे। उसको इस तरह से अरबी के जो पत्ते हैं इसे हमने बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया है। तो इस तरह से उल्टा करके रख दिए पत्ते को। और पूरे में बेसन लगाना है। तो पेस्ट बहुत ही बराबर लगाना है ताकि हर बाइट में मिले। तो इस तरह से आपको लगा देना है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सुझाव देनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से एक के बाद एक दूसरा पत्ता उल्टा करके रख दिया। और आपको इसमें ध्यान ये देना है कि जहाँ इसकी डंठल है तो हम दूसरा पत्ता रख रहे हैं तो उसका डंठल पहले वाले पत्ते के डंठल से अलग हो, नहीं तो आपका रोल जो है वो फट जाएगा। इस तरह से ध्यान देकर हम एक बार में कम से कम 8 से 9 पत्ते रखने हैं। इस तरह से एक ऊपर एक और इसी तरह से घोल लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये रेसिपी समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हम सारे पत्ते को रख दिया। अब इसे इस तरह साइड साइड से फोल्ड करके इसे रोल करना है। रोल टाइट एकदम करनी है, लूज नहीं करनी है, नहीं तो ये अच्छा नहीं बन पाएगा। इसका मसाला है जो वो सब निकल जाएगा। तो इसलिए हमें इसको बहुत ही टाइट लपेटना है, रोल करना है। तो इस तरह से हमने रोल तैयार कर लिया। फ्रेंड्स, बरसात में होता है पत्ता और बरसात में बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। तो इस तरह से इसका सब्जी भी बनता है, पकौड़े भी बनता है, आप जो बनाए वो बनेगा। और रोल करने के बाद एक हमने मोटा धागा लिया है, धागे को डबल किया और इस तरह से टाइट बांधना है, बिल्कुल भी ढीला नहीं बांधना है। इसे हम टाइट से बांध लेंगे। क्या फ्रेंड्स, ये हमारा रोल है वो बिल्कुल रेडी हो गया है उबलने के लिए। तो उबलने के लिए हम एक कुकर लेंगे, कुकर में पानी और किसी बर्तन में इसे करके और रख देंगे। खैर, अभी हमें ये फूल और डंठल को उबालना था तो मैंने सोचा एक ही बार में मैं साथ में उबाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं इसे उबाल रही हूँ। 3 से 4 सीटी लगाएंगे। और यह उबल जाए तो पानी से निकाल कर इसके अच्छे टुकड़े कर ले। और अब तेल गरम कर ले और जो पेस्ट था जो हमने पत्ते में लगाए थे उसी पेस्ट में इस तरह से हम डुबा डुबा कर तेल में फ्राई कर लेंगे। और इसे बहुत ही बढ़िया से उलट पलट कर इसे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा शाम का नाश्ता बोलिए या दाल चावल पकौड़ा बोलिए, ये रेडी है। थैंक यू फ्रेंड्स।